कांग्रेस की राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काले कपड़ों में आप लोग आज सेशन में पहुंचे हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन विरोध देखने को मिला है। सर, देखिए, लोकशाही के इतिहास में हमारे देश के काले धब्बे के समान काली स्याही से इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन की आवाज़, राहुल गांधी जी की आवाज़ किसकी आवाज़ थी? देश की जनता की आवाज़ थी। वो कोई अपना घर का मुद्दा तो नहीं उठा रहे थे। अब देश को लूट लूट के अदानी को मालामाल करते हो उसका सवाल पूछते थे। देश में रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान पे है, किसान परेशान है, सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमारे जवानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना, ये क्या सही काम नहीं था? वो तो सही काम कर रहे थे, पर भाजपा के पास इसके जवाब नहीं। तो बिन लोकतांत्रिक तरीके से जब ये सारा हुआ है और जो हुआ है उसके विरोध में आज सभी लोक माइंडेड पार्टीज, सभी लाइक माइंडेड पार्टीज मिलके काले कपड़े या हाथ पे काला रिबन बांध के हाउस में गए थे। सर, तो आप देख सकते थे जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल, उन्होंने खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है अब से कुछ देर पहले। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी के मामले को लेकर, और शक्ति सिंह गोयल ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।